कोच मोहम्मद यूसुफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैच विनिंग साबित हो सकता है और इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जगह बनाएगा। इस सवाल कहां से हो रहा है आपने, ये दोबारा कर देंगे प्लीज। अच्छा, मेरा सर ये है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, क्या आप पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस टीम के अंदर जो मैच विनिंग बन सकता है और इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए भी जल्द खेलेगा? अरे आप तो ये ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मैं समय तो बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि हमने अपने लड़कों को मोटिवेट करना है, और मेरा नहीं ख्याल कि एक मैच से आप ये कह दें कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर इंडिया को 8 विकेटों से हराया ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो दोबारा हम नहीं देंगे भाई। और अगर हमने अफगानिस्तान को 83 रन से हराया है तो आप समझते हैं ये बुरी परफॉर्मेंस अगली बार नहीं देंगे। और कौन सी है, नेपाल को हमने 7 विकेटों से हराया था। तो हमने ये लड़कों को मोटिवेट, मुझे खड़काएं जितना भी खड़काना है कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों को मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मैच, वो भी मैच समझता हूँ वो ईजी ले गए हैं, वो बेहतर करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उसकी बेहतरी की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि वहाँ भी अच्छा खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो फिर आप लोग तो हैं ना, हमें करेंगे खड़काएंगे यूसुफ भाई। कंडीशन जो है जनूबी अफ्रीका की बड़ी टफ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान दोबारा जीत पर ट्रैक पर आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो हम सब की यही है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के आएँ, और पोटेंशियल है लड़कों में, ऐसी बात नहीं कि लड़कों में पोटेंशियल नहीं है, और सब में एबिलिटी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम ईजी ना लें किसी को। जो मेरी कोशिश है, जो मेन है कि अगर आप भाई के खिलाफ भी खेल रहे हो ना तो कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। मैं अपने भाई के साथ जब क्रिकेट खेलता होता था मैं चाहता था कि जीतूं। मेरा ख्याल आप में से भी कोई खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, वो जीतना चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मेन है वो ये है कि हम लड़कों को डेवलप करें, जो हमारी पाकिस्तान की टीम को सर्व करें आके और रेडी टू प्ले हो, उस पर ज़्यादा फोकस मेरा उस पर भी है, जीतने पर भी है। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी ये वर्ल्ड कप जीत के आएँ, और आप लोग भी दुआ करें, आप लोग भी यही चाहते हैं इसीलिए सब आए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहता कि हमारी टीम ना जीते, और हम सब की यही कोशिश है। अच्छा यूसुफ भाई, हेयर यूसुफ भाई आपने कहा एशिया कप में हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी है, नो डाउट टीम बड़ा अच्छा खेली थी, ग्रुप मैचेस जिस तरह से वो खेले, अलबत्ता सेमीफाइनल में टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से उनको करना चाहिए था। आपने उनका भी जिक्र किया कि गलतियां भी वहां पर बहुत ज़्यादा हुई हैं, साथ में आपने कहा कि ये हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी फॉर्म एक वक्त में नहीं चल रही होती लेकिन वो प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि स्क्वाड में अब तैयब ताहिर शामिल नहीं है, हालांकि पीजीएल के वो स्टार थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, जिस तरह से वो टेक्निकली खेलते हैं बड़े खूबसूरत खिलाड़ी हैं, तो वो स्क्वाड में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो क्या रीज़न थी कि आप लोगों ने उनको स्क्वाड में नहीं रखा, और साथ में इस स्क्वाड में जो गलतियाँ हुई हैं उनको अब आपने कंट्रोल करने के लिए क्या इस कैंप में आपने उनको सिखाया है? अरे देखिए, जो तैयब ताहिर की बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की है कि किसी लड़के में पोटेंशियल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, और उसको हमने, क्योंकि वो मेरा ख्याल ना 15 में नहीं था बल्कि 25 में भी था मेरा ख्याल है, जब मैं आया हूँ, मैं लास्ट मंथ नवंबर मेरा ख्याल है कि 18th को मुझे ये ओहदा दिया गया, तो मुझे जो मैंने लड़कों को देखा नहीं हुआ था। फिर हमने कैंप लगाया कराची में, उसमें कुछ लड़के जो रह गए थे वहाँ बुलाया, जिसमें तैयब ताहिर को भी बुलाया था, उसका नाम नहीं था 25 में भी, लेकिन वहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर हम उसको लेके भी गए एशिया कप में, लेकिन समहाउ ये लग रहा है कि अभी वो मैचेस के लिए रेडी नहीं है, छोटी एज है उसकी, वो उसकी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एज है, वो जो अंडर 19 वाली एज है वो नहीं है, मुझे उसकी सही एज लग रही है। उसके बाद टाइम है, वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। तो बाज़ का ये होता है कि आप जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आगे हम मौका दें, और ऑन एंड ऑफ हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे, और अपने वहाँ रीजन है वहाँ भी वो काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें उसको मैंने बताई हैं जिस पे काम करना है, इंशाल्लाह वो उस पे काम करता रहेगा तो बेहतरी आएगी। यूसुफ पीछे भी है कि आप है? यूसुफ आपने टीमें भी देख ली वर्ल्ड कप में, जो टीमें हैं कौन सी ऐसी दो टीमें हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है और जिनके खिलाफ हमें ऑल आउट जाना है? मैं अभी एशिया कप में जो देखी उसमें जाना तो सब पे ही, अब आप देख लें यूएई से भी हारे, तो किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते, और मेरा नहीं ख्याल लेना भी चाहिए। हमने सारी टीमों के खिलाफ कोशिश करनी है, फुल फाइट करनी है, और जो मेन चीज़ है जो मैं अग्रेशन जो है वो जो हमारा 90s में होता था, और जब मैं टीम में आया था जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, उनमें अग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो लड़ते थे अंदर,
मेरा टीवी पे ये कहना सही नहीं है, बहुत सी और भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी जो हमारे खिलाफ भी होती थी जब हम बैटिंग करने अंदर जाते थे, लेकिन हमारी अपनी टीम भी बहुत अग्रेशन दिखाती थी, वो मिस कर रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में। मेरी कोशिश है कि हम एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना करें लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालें, और कोई फ्रेंडली माहौल मैं नहीं चाहता ग्राउंड के अंदर किसी के साथ हो। मैच के बाद आप चाहे किसी के साथ गले मिलें, खाना खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन वो जो 50 ओवर हमारे 50 उनके हैं और लंच टाइम भी कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए, ये मिस कर रहे हैं हम लोग। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इतना फ्रेंडली माहौल जो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता आप लोगों को, शायद वो सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हम सब अच्छे, हम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं हमें पहले वो देखना है, बाकी यारी दोस्ती बाद में देखी जाएगी, अभी हमने ग्राउंड में अग्रेशन दिखाना है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़कों में वो पैदा हो। देखिए मैं 21-22 साल का लड़का है और मेरा ख्याल है कि उसको जो डेब्यू कराया मेरा ख्याल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अब मसला ये है कि ये नज़र आ गया कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें चीज़ें सारी हैं, ये वनडे भी खेल सकता है, T20 भी खेल सकता है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है, अब ये एक चीज़ नज़र आ गई है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद यू براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں لاہور سے، جہاں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد یوسف نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈر 19 کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے، سیکھنے سے کارکردگی میں کافی بہتری آتی ہے۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ نئے کھلاڑیوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو بھی یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ لاہور میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد یوسف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ उन्होंने कहा कि अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, अंडर 19 की टीम के खिलाड़ियों की भी तरबियत होनी चाहिए, इससे सीखने का भी मौका मिलता है और कारकर्दगी में बेहतरी भी आती है।